एक समय बगदाद शहर में एक वृद्ध महिला रहती थी। जब उसका आखिरी वक्त आया तो उसने अपने पोते मोहम्मद को बुलाया और कहा, बेटा तुम्हें देने के लिए मैंने कुछ भी नहीं कमा के रखा, मेरे पास सिर्फ ये पत्थर है, मैं इसे तुम्हारे पास सौंप रही हूँ, कभी भी इसे हाथ से मत जाने देना, सावधानी से रखना इसे। इसके बाद महिला का देहांत हो गया। उस वक्त से मोहम्मद उस पत्थर को कहीं न रखते हुए अपने हाथ में लेके घूमता था। जो भी देखते थे सब लोग मोहम्मद पे हंसते थे। कुछ लोग बोलने लगे, अरे मोहम्मद तुम्हारा दिमाग क्या खराब हो गया है, इस बेकार के पत्थर को हमेशा अपने हाथ में रख के ही घूमते रहते हो। ऐसे उसकी खिल्ली तक उड़ाई। तो मोहम्मद ने बोला, इस पत्थर को मेरी दादी ने मुझे दिया, उनको दिए वादे के हिसाब से मैं अपने हाथ में रखता हूँ, तुम्हें क्या तकलीफ है। ऐसे उसने कहा। कुछ समय बाद मोहम्मद जंगल की ओर बढ़ने लगा लकड़ी काट कर लाने के लिए। उस पत्थर को भी अपने साथ वो ले गया। लकड़ी काटते समय उसने देखा एक सियार आ रहा था उसकी तरफ। उस सियार को देख के मोहम्मद वाकई डर गया था। डर के मारे वो कांप रहा था। सियार ने कहा, डरो मत, मुझसे तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हारे पास जो पत्थर है सिर्फ एक बार मुझे दे दो। मोहम्मद दंग रह गया और पूछा, तुम क्या करने वाले हो उससे। ऐसे उसने पूछा तो सियार ने कहा, तेरे पास जो पत्थर है वो साधारण पत्थर नहीं है, उससे एक खास खुशबू आती है, उस पत्थर को अगर लाश के नाक के नीचे रखोगे तो वापस जिंदा हो सकते हैं। ऐसे सियार ने कहा। तो मोहम्मद ने कहा, तुम्हारी बात का मैं कैसे विश्वास करूं। तो सियार ने कहा, हमारे झुंड में एक सियार की मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो पत्थर तुमसे मांगने में आया हूँ ताकि मैं उसे वापस जिंदा कर सकूँ, तुम मेरे साथ आकर के देखो ये पत्थर क्या है। दोनों भागते भागते पहुँचे उस मृत सियार के पास। उस पत्थर को मोहम्मद ने मृत सियार के नाक के नीचे रखा और सियार को वापस जान आ गई। तो मोहम्मद ने कहा, अरे ये तो सचमुच जादुई पत्थर है, मरे हुए भी वापस जिंदा आ जाते हैं। ऐसे उसने कहा। तो सियार ने कहा, मैं तुम्हें खास बात बताने वाला हूँ, इस पत्थर के बारे में तुम्हें जो राज पता है अगर तुम उसे बांटोगे सबको तो इस पत्थर में वो जादूपना निकल जाएगा। ऐसे बोल के सियार भाग गए। कुछ दिन बाद सुल्तान की बेटी सुल्ताना बेगम को एक जहरीला बुखार आ गया था। हकीमों ने इसके लिए कोई दवा नहीं ढूंढ पाए और अपनी कोशिश बंद कर दी थी। सुल्ताना बेगम अपनी मौत से लड़ रही थी। उसी समय सुल्तान ने एक ऐलान करवाया कि जो भी उसकी बेटी की जान बचाएंगे उनको उससे निकाह करवाएंगे और राज्य का एक हिस्सा भी दे देंगे। मोहम्मद तुरंत अपने गांव से राजा के महल की ओर निकल पड़ा। वो महल में पहुंचने से पहले ही सुल्ताना बेगम की जान निकल गई। सुल्तान और सारे महलवासी बहुत दुखी हो गए थे। मोहम्मद सुल्तान के पास गया और कहा कि, हुजूर मैं आपकी बेटी को बचा सकता हूँ, मुझे एक मौका दीजिए। आप सबको कमरे के बाहर रहना पड़ेगा कुछ देर के लिए। कोई फायदा नहीं है बेटा, कुछ ही देर पहले मेरी बेटी मर चुकी है। ऐसे दुखी होके सुल्तान ने कहा, हजूर आप सिर्फ 10 मिनट दीजिए, मैं आपकी बेटी को वापस जिंदा कर सकता हूँ, मुझ पर यकीन कीजिए। ऐसे मोहम्मद ने कहा। तो सुल्तान ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने तैयार हूँ, जो भी करना है जल्दी करो। ऐसे बोल के अपनी बेगम को लेके कमरे के बाहर गए। मोहम्मद अपने हाथ में लाए पत्थर को लेके युवरानी के नाक के नीचे रखा। युवरानी तुरंत जाग गई और बैठ गई। अपनी बेटी की जान बचाने वाले मोहम्मद को तुरंत उसने राजा का पदवी दे दिया और उसके तुरंत बाद मोहम्मद की शादी अपनी बेटी से धूमधाम से करवाई। उसके बाद मोहम्मद और उसकी बीवी बहुत मजे में रहने लगे। इसके बाद मोहम्मद को अहंकार आ गया कि वो किसी को भी जिंदा ला सकता है। ये बढ़ते गया, कोई अंत नहीं था। इसलिए मैं ही खुदा हूँ, मुझसे बड़ा कोई नहीं है, ऐसा वो सबको बोलने लगा। उसकी इन हरकतों को देख अपनी बीवी सुल्ताना बेगम को जरा भी अच्छा नहीं लगता। इसी दरमियान उनके घर पे एक फकीर आए थे। उसने कहा,
फकीर जी, मेरे शोहर बहुत बड़े हकीम है। उनके काबिलियत से कोई भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं और मृत को भी वो जिंदा कर सकते हैं, ऐसे कहा। तो फकीर ने कहा, बेटी तुम कोई बात को लेके बहुत परेशान है, जो भी है बात मन की बता दो। सुल्ताना ने कहा, फकीर जी मेरे शोहर का घमंड हर दिन बढ़ते जाता है, पागलों की तरह बड़बड़ाता है, रोज रोज एक पत्थर को लेके मुझे सूंघने के लिए कहते हैं। ऐसे करने से बोलते हैं कि हम हमेशा जवान रह सकते हैं। तो फकीर ने कहा, कुदरत के खिलाफ करेंगे कुछ काम तो अच्छी बात नहीं होगी, मेरी बात सुन, सब कुछ अच्छा ही होगा। तो ऐसे उन्होंने कहा। तो सुल्ताना बेगम अपनी एक खास दोस्त के पास गई और बोली, तुम कुछ देर मुर्दा बनने का नाटक करो और मैं बोलने तक तुमको उठना नहीं है। सुल्ताना बेगम के बोलने के अनुसार उस दोस्त ने मृत होने का नाटक किया। सुल्ताना बेगम अपनी दोस्त की मृत्यु को लेके रोने लगी। ये क्या हुआ, मेरी सबसे खास दोस्त का मृत्यु हो गया, ऐसे बिलखने लगी। तो मोहम्मद ने कहा, तुम फिक्र मत करो, मैं हूँ ना इधर जिंदा करने के लिए उसे, ऐसे बोल के उस पत्थर को लेके उस दोस्त के नाक के नीचे रखा। मगर वो उठी ही नहीं है, बार बार उस पत्थर को उसके नाक के नीचे रखा, मगर वो लड़की कभी उठी नहीं है, ऐसे ही लेटी हुई थी। और सुल्ताना बेगम ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, मृत के पास जाके बार बार उस पत्थर को नाक के नीचे रखते हो। तो मोहम्मद ने बोला, ये पत्थर कोई साधारण पत्थर नहीं है, जादुई पत्थर है, इस पत्थर को सुंगाने से मृत लोग भी जिंदा हो सकते हैं, ऐसे उसने कहा। अगर ऐसी बात है तो क्यों मेरी दोस्त अभी तक उठी नहीं, ऐसे सुल्ताना बेगम ने पूछा। हे खुदा, मैंने ये राज की बात तुम्हारे पास खोल के रख दी, इसलिए ये पत्थर ने काम करना बंद किया। सुल्तान बहुत दुखी था। फिर सुल्तान चुपचाप मोड़ के वो पत्थर को उठा के चल पड़ा। उसके बाद वो जाके पास वाले तालाब में उस पत्थर को फेंक दिया और कहा, इसके बाद मुझे ऐसे पत्थर की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद वे अपने महल के पास गए और उसके बाद उसका अहंकार छोड़ दिया और अच्छे से प्रजाओं को संभाला, और तब से उसने पत्थर के बारे में सोचना ही छोड़ दिया। हाय बच्चों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया? और ज्यादा वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और ट्विटर में हमें आकर मिलिए। बाय बाय।